क्या आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन पाने के लिए गूगल सर्च करते हो? क्या गूगल आपको वो सर्च करके नहीं देता जो आप एग्जैक्टली चाहते हो? अरे तो टेंशन की कोई बात नहीं, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए गूगल में सर्च करने के कुछ 6 टिप्स देने वाला हूँ। जी हाँ, 6 टिप्स जिसे फॉलो करके आप बड़े ही आसानी से गूगल में सर्च कर सकते हो और वो भी कम समय में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से गूगल में सर्च किया जाता है और कम समय में जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो पाया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सरफराज और आप देख रहे हैं टेकी सफू चैनल। इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे टेक्स के टिप्स एंड टिप्स के वीडियोस लेकर आता रहता हूं, साथ ही साथ कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए गूगल में सर्च करने के कुछ 6 टिप्स देने वाला हूं जिसे फॉलो करके आप बड़े ही आसानी से वो सर्च कर सकते हो जो आप एग्जैक्टली चाहते हो। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये सर्च किया जाता है। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये रहा मेरा डेस्कटॉप। तो हम चलते हैं कंप्यूटर के क्रोम ब्राउजर पर और जाकर मैं खोलता हूँ गूगल सर्च इंजन। तो ये रहा मेरा गूगल सर्च इंजन। तो सबसे पहला जो टिप्स आपको मैं देना चाहूँगा वो ये है कि आप जो भी सर्च करना चाहते हैं तो आपको अगर मालूम है कि आपका वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पीडीएफ में होना चाहिए या आप चाहते हैं कि वो पीडीएफ में हो या पीपीटी में हो या डॉक फॉर्मेट में हो तो आप एग्जैक्टली वही सर्च कर सकेंगे जैसा आप जो फाइल फॉर्मेट आप चाहते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो आप सर्च कर रहे हैं उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये तो ज़रूर पता होगा कि हमारा सर्च इंजन सेंटेंस नहीं समझता है, कीवर्ड्स समझता है। तो हमें कीवर्ड्स के साथ कुछ ऐसा चीज़ यूज़ करना होगा जिसके ज़रिए से हम एग्जैक्टली वही ढूंढ सके जो हमें चाहिए। तो जैसा कि मैं एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे कि आपको एथिकल हैकिंग के ऊपर एक पीपीटी चाहिए तो आपको साथ में फाइल टाइप कोलन पीपीटी मेंशन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है, फाइल टाइप कोलन पीपीटी। जो भी आपको चाहिए वो कीवर्ड आपको लिखना है सबसे पहले और उसके बाद स्पेस देकर आपको टाइप करना होगा फाइल टाइप कोलन वो पर्टिकुलर फाइल टाइप। ये तो पीपीटी भी हो सकता है या तो फिर ये पीडीएफ भी हो सकता है या एक्सएलएस भी हो सकता है या डॉक भी हो सकता है। तो जिस तरीके का फाइल फॉर्मेट आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ पीपीटी करके, ये लिखने के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप यहाँ पर जो भी देख पाएंगे, जो भी आपको जो यहाँ सर्च रिजल्ट में दिखाई दे रहा है वो आपका सारा पीपीटी वेब लिंक्स है। तो यहाँ पर जितने भी आपको वेब पेजेस दिखाई दे रहे हैं वो सारा पीपीटी है। आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ लिखा है पीपीटी, यहाँ लिखा है पीपीटी। अगर आप नीचे भी जाइएगा तो जितना भी आप यहाँ पर वेब पेजेस देख रहे हैं वो सारा पीपीटी के फॉर्म में है। तो अभी आप अगर इसको सर्च करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर फाइल जो पीपीटी में हो तो आप इस जरिए से ये फाइल टाइप कोलन पीपीटी लिखकर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ क्लिक करके दिखाता हूँ, एक लिंक को। तो अगर मैं ये लिंक को क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पर वो पीपीटी फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड हो चुका है। तो इस तरीके से हम वो पीपीटी पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट का सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो पीपीटी ना हो, वो पीडीएफ हो,
तो आपको यहाँ पर पीडीएफ लिखना होगा फाइल टाइप के अंदर, जी हाँ फाइल टाइप कोलन पीडीएफ लिखना होगा और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा। इस टाइम आप देख पा रहे हैं पीडीएफ, तो अभी आपको जो भी यहाँ पर लिंक दिखाई देगा वो सारा पीडीएफ होगा, आप देख सक रहे होंगे पीडीएफ पीडीएफ। ओके, तो यहाँ पर जो भी आपको मिला है, अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, तो आप देख सक रहे होंगे कि ये जो पेज खुला है ये एक पीडीएफ फाइल है जिसे आप चाहे तो डाउनलोड करके आराम से ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका सबसे पहला ट्रिक जिसमें आपको फाइल टाइप कोलन मेंशन करके वो फाइल टाइप मेंशन करना होगा ताकि आप एग्जैक्टली वो फाइल टाइप सर्च कर सकें। अब मैं आपको दूसरा ट्रिक दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको जानना। अब जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ आप ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो चीज़ उसके अंदर ज़रूर इंक्लूड हो, या आप चाहते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ उस सर्च के अंदर ना आए, तो उसके लिए आपको एक तरीके से सर्च करना होगा। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे कि ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं ऑनलाइन बुकिंग लिखता हूँ, मगर जब मैं ऑनलाइन बुकिंग लिखता हूँ तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आता है कि जब मैं ऑनलाइन बुकिंग लिखूँगा तो यहाँ पर सारे ऑनलाइन बुकिंग के प्लेटफॉर्म खुल जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि उसमें रेलवे का ज़रूर हो, रेलवे बुकिंग के लिए ज़रूर ऑप्शन आए, तो उसके लिए हम स्पेस देकर प्लस साइन लिखेंगे और साथ में रेलवे लिखेंगे। जी हाँ, आपको ऑनलाइन बुकिंग जो भी आपका कीवर्ड है वो लिखने के बाद स्पेस देना है, स्पेस देके प्लस साइन देके बिना स्पेस के वो वर्ड लिखना है जिसे आप चाहते हैं इंक्लूड करना। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे रेलवे बुकिंग का ही ऑनलाइन बुकिंग मिले, तो मैं प्लस रेलवे लिख के एंटर करता हूँ। तो आप देख सक रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर कि यहाँ पर जो भी ऑनलाइन बुकिंग आया है वो ट्रेन से रिलेटेड ही आया है, रेलवे से रिलेटेड ही आया है, आप देख सक रहे होंगे। IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग, IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग, इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर जो भी आप ऑनलाइन बुकिंग का यहाँ वेबसाइट देख रहे हैं वो सारा रेलवे से रिलेटेड है, क्योंकि मैं सिर्फ चाह रहा था कि रेलवे को इंक्लूड करूँ, इसलिए मैंने प्लस रेलवे लिखा था। और आप चाहते हैं कि रेलवे की जगह कुछ और आए, रेलवे सिर्फ ना आए, तो आप उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं माइनस साइन देकर। तो ये प्लस हटाकर आपको माइनस देना है, ठीक है। तो स्पेस देने के बाद आप जब प्लस लिखे थे उस प्लस की जगह इस बार आपको माइनस देके रेलवे लिखना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि रेलवे ऑनलाइन बुकिंग ना आए, उसके अलावा जो भी है वो आए। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब जो आप देख पा रहे होंगे वो रेलवे को छोड़कर सारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि पहला लिंक आप देख पा रहे हैं फ्लाइट बुकिंग का है, दूसरा भी आप देख पा रहे हैं फ्लाइट का है, तीसरा भी फ्लाइट का है, इसी तरीके से आप फ्लाइट का सारा यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आप चाहे तो यहाँ पर दूसरा चीज़ भी देख पा रहे हैं, जैसे कि होटल रूम बुकिंग हुआ या बस का हुआ, तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पर देख पाएंगे, मगर रेलवे का आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सर्च में माइनस रेलवे किया था। तो इस तरीके से हम अपने सर्च को ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं और जो हमें एग्जैक्टली चाहिए वो हम कम समय में ढूंढ सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड ट्रिक था। अब मैं आपको तीसरा ट्रिक बताता हूँ। तीसरे ट्रिक में आपको, जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली वही चीज़ आपको मिले जो आप टाइप कर रहे हैं और इधर उधर की चीज़ें ना आए, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप वो एग्जैक्ट कीवर्ड लिखिए या एग्जैक्ट कीवर्ड्स एक साथ जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होता है उसे लिखिए अंडर कोटेशन। आपको, जी हाँ, डबल कोटेशन देना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ एजुकेशनल गेम्स फॉर योर चाइल्ड, मैं ये लिखा हूँ और मैं इसे अंडर कोटेशन देता हूँ, एजुकेशनल गेम्स फॉर योर चाइल्ड। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वही पेज दिखाई दे जिसमें एजुकेशनल गेम फॉर योर चाइल्ड है, तो इससे आप अपने सर्च को
लिमिटेड कर सकते हैं, मतलब आपका सर्च रिजल्ट बहुत सारा नहीं होगा, बहुत ही लिमिटेड होगा, और जिसमें ये कंटेंट होगा एजुकेशनल गेम्स फॉर योर चाइल्ड। जैसे कि मेरा एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट में मैंने एक आर्टिकल लिखा है एजुकेशनल गेम्स फॉर योर चाइल्ड, तो अगर मैं ये देता हूँ तो मेरे सर्च रिजल्ट में मेरा वेबसाइट भी दिख सकता है। तो मैं अभी एंटर मारता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लिंक्स खुल गए हैं जिसमें मैंने जो लिखा था कि एजुकेशनल गेम फॉर योर चाइल्ड, तो आप देख पा रहे होंगे इंडिया पेरेंटिंग टिप्स डॉट कॉम के अंदर मैंने एक आर्टिकल लिखा था एजुकेशनल गेम्स फॉर योर चाइल्ड, तो आप देख पा रहे हैं कि वो किस तरीके से सर्च रिजल्ट में आराम से ऊपर में आ गया है, क्योंकि मैंने कोटेशन दिया है। अगर मैं ये कोटेशन नहीं दूंगा तो ये वेबसाइट हो सकता है कहीं और आए, बहुत ही पीछे आए, फर्स्ट पेज में ना आए, तो इससे क्या होगा, आपका सर्च रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्चुअली बढ़ जाता है अगर आप कोटेशन नहीं देते हैं तो। इसलिए आप अगर कोटेशन देंगे, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ चाहिए और एग्जैक्टली सिर्फ वही चाहिए और कुछ इसके अलावा नहीं चाहिए, तो आप वो सेंटेंस को अंडर कोटेशन लिखिए ताकि आपको एग्जैक्टली वही चीज़ मिले जो आप एग्जैक्टली चाहते हैं। तो ये आपका तीसरा टिप्स था जिसे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, नेक्स्ट ट्रिक जो है, जो कि नंबर फोर ट्रिक है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे कि आप अगर कोई चीज़ नेट में सर्च कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप वो जो सर्च कर रहे हैं उसके कुछ वर्ड्स मिडिल में आपको याद नहीं आ रहा है और आपको वो सर्च करना है। से फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक मशहूर पुराना गाना था और आप चाहते हैं कि वो गाना के क्या बोल थे, तो आप वो एग्जैक्टली देखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं जैसे कि आई जस्ट कॉल, और उसके बाद आप एस्ट्रिक दे दीजिए और आप यू लिख दीजिए, मतलब आई जस्ट डैश यू, मतलब आपको नहीं पता कि बीच में क्या वर्ड्स है, तो जो चीज़ आपको नहीं पता है उस जगह पे आप एक वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एस्ट्रिक, जिसे आप स्टार साइन भी कहते हैं, तो आप वो स्टार साइन को डाल सकते हैं जो वर्ड्स आप नहीं जानते हैं, और उसके बाद आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए खुल गया कि वो फुल सेंटेंस क्या था, आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड दिया हुआ है, तो इससे आपको ये समझ में आता है कि जो आपने मिस किया बीच में तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ये एक सर्च करने का स्मार्ट तरीका है जिससे आप अगर नहीं जानते हैं उसके बाद भी आप वो चीज़ एग्जैक्टली पा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अगर कोई कोटेशन है, किसी का कोटेशन है और आपको एग्जैक्टली वो याद नहीं है कि वो कोटेशन क्या है, तो आप उस कोटेशन का जो भी वर्ड्स जानते हैं वो आप लिखिए, और जो वर्ड्स नहीं जानते हैं उसके जगह पे आप एक एस्ट्रिक दे दीजिए और उसके बाद एंटर कीजिएगा, तो आप देखिएगा वो कोटेशन आपके सामने आ जाएगा कम्प्लीटली। तो ये जो ट्रिक था, ये ट्रिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, जो कि चौथा नंबर ट्रिक था। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो होगा आपके लिए, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन सर्च करें वो पर्टिकुलर एक ही वेबसाइट से आए, दूसरे वेबसाइट से ना आए, तो वो करने का एक एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप चाहते हैं कि इंडिया पेरेंटिंग टिप्स जो मेरा वेबसाइट है उसके उसमें आप एक पर्टिकुलर टॉपिक देखना चाहते हैं और किसी भी वेबसाइट में वो देखना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इस तरीके से साइट कोलन लिखना पड़ेगा, और वो लिखने के बाद आप इंडिया पेरेंटिंग टिप्स डॉट कॉम जो कि वेबसाइट का नाम है वो लिखेंगे जिससे आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इंडिया पेरेंटिंग टिप्स डॉट कॉम के ज़रिए से ही वो इन्फॉर्मेशन पाएँ और दूसरे वेबसाइट से ना पाएँ, तो आप वो लिखकर स्पेस दीजिए, और स्पेस देने के बाद आप समझ लीजिए आप यूबीआई टॉपिक के ऊपर सर्च करना चाहते हैं और वो भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से।
तो उसका यही तरीका है कि सबसे पहले आपको साइट कोलन लिखना होगा और उसके बाद वो वेबसाइट का नाम देना पड़ेगा और उसके बाद वो कीवर्ड लिखना पड़ेगा जो आप सर्च करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट से। तो ये करने के बाद आप एंटर प्रेस कीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे यूबीआई, दैट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो आपको ये पर्टिकुलर वेबसाइट से ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। अगर ये इन्फॉर्मेशन और भी मेरे इस वेबसाइट में दो चार जगह होता तो उसका भी लिंक आपको दिखाई देता, क्योंकि मैंने एक ही आर्टिकल लिखा है इस टॉपिक के ऊपर, तो इसलिए आपको एक ही लिंक दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो आप आराम से वो पर्टिकुलर आर्टिकल को मेरे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं इस तरीके से जाकर। तो आप जब स्क्रॉल कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपका जो भी आपने जो सर्च किया वो सारा कंटेंट आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट से आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल जा रहा है। ठीक है, तो मैं अभी आपको दूसरा ट्रिक दिखाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरा एक ट्रिक जो है वो है आपका, जैसे कि आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट, आपको आप जानते हैं ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत सारे होते हैं आपको जैसे कि मालूम है, मगर आप जानते हैं कि एक ही वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि उससे रिलेटेड और भी सारे वेबसाइट्स आपको पता चल जाए, मगर आप एग्जैक्टली जानते नहीं हैं कि वो वेबसाइट्स क्या है। तो उसको सर्च करने के लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके लिए आपको यहाँ पर रिलेटेड लिखना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर कोलन देना पड़ेगा। अब जैसे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि बहुत ही फेमस है, दैट इज फ्लिपकार्ट। सो आप यहाँ पर flipkart.com लिख सकते हैं, और आप चाहते हैं कि इसी तरीके का और भी वेबसाइट जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपके सामने आ जाए, और आप जानते नहीं हैं कि मार्केट में अमेजन भी अवेलेबल है, ईबे भी अवेलेबल है, शॉप क्लूज भी अवेलेबल, ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है मगर आपको ठीक पता नहीं है, तो ये कुछ भी चीज़ हो सकता है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि समझ लीजिए आप चाहते हैं कि इस टाइप का, जैसे कि flipkart.com जैसा वेबसाइट आपको और भी मिल जाए, तो वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको रिलेटेड कोलन वो पर्टिकुलर वेबसाइट लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको एंटर मारना पड़ेगा। तो आप जब एंटर मारेंगे तो आप देख सकेंगे कि उससे रिलेटेड और भी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं snapdeal.com, yebi.com, healthcard.com, देन landmarkonthenet.com, sports365.com, तो ये ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आप जानते नहीं थे मगर वो यहाँ आपके सामने आ गए हैं, shopperstop.com, bigbasket.com, trendin.com, सो yepme.com, तो ये सारा जो वेबसाइट्स है ये आपका फ्लिपकार्ट से रिलेटेड है। तो इसलिए इस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम स्मार्ट वे से गूगल सर्च कर सकते हैं और किस तरीके से जो हमें चाहिए वो एग्जैक्टली हम अपने गूगल सर्च इंजन से पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और जी हाँ, साथ ही साथ कमेंट करना भी ना भूलिए, क्योंकि कमेंट करने से मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग कैसा वीडियो चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय। We'll be right back.